Hello everybody, this is Shivam, Dubey from English Kingdom, Allahabad. Today, I will discuss another play that has been described, in fact, in your course of LT, Licentiate Teachers. And we will like to see what are the important things that as a work of art, as a worker of art, we need to focus on. तो आज के प्ले जो एक बहुत ही फेमस प्ले है दैट इज कॉल्ड द बर्थडे पार्टी. बर्थडे पार्टी पर हमारा डिस्कशन होने वाला है जिसको हैरोल्ड पिंटर ने लिखा था. हैरोल्ड पिंटर इज अ ड्रामेटिस्ट हु रिसीव्ड नोबेल प्राइज फॉर हिज लिटरेचर इन 1905 और उनके वर्क्स मॉडर्निटी को शो करते हैं और एक ऐसी मॉडर्निटी जिसमें थोड़ी स्ट्रेंजनेस होती है, थोड़ी नथिंगनेस होती है, थोड़ी वैकेंटनेस होती है. मीनिंग टू से कि हम कहीं ना कहीं थिएटर ऑफ एब्सर्ड की बात कर रहे हैं, एब्सर्ड लिटरेचर की ओर धीरे धीरे मूव कर रहे हैं. एब्सर्ड लिटरेचर में आने के पीछे सबसे बड़ा रीजन बनता है सेकेंड वर्ल्ड वॉर, जो 1945-46 में कंप्लीट होता है, जहां से यह बात क्लियर हो चुकी होती है कि ह्यूमन लाइफ इज एसेंशियली अनएसेंशियल. इंसानी जो जीवन है वह आवश्यक रूप से अनावश्यक है, कोई जरूरत नहीं इस इंसान की, या कहीं से भी इंपॉर्टेंट नहीं है, ना इसके ट्रेडिशन इंपॉर्टेंट है, ना यह इंपॉर्टेंट है. इस तरह का जो थीम, इस तरह का जो थॉट हिरोशिमा नागासाकी के बाद आता है तो वो हमारे लिटरेचर में भी रिफ्लेक्ट करता है, चाहे वो जॉन ऑस्बर्न का लुक बैक इन एंगर हो और या फिर हैरोल्ड पिंटर का द बर्थडे पार्टी हो. सभी स्ट्रेंजनेस की ओर हमको लेकर जाते हैं, सभी हमें बताते हैं कि एक नथिंगनेस है, एक पिकारिस प्रेजेंस होता है हमारे थिएटर में. शायद यही वजह रहा कि हमारे बर्थडे पार्टी में भी पिकारस नेचर दिखाई देता है, एक डर का एहसास होता रहता है. वी विल स्टडी इट थ्रू द पॉइंट्स. द बर्थडे पार्टी इज द सेकंड फुल लेंथ प्ले ऑफ पिंटर विच वॉज फर्स्ट परफॉर्म्ड एट द आर्ट्स थिएटर इन कैम्ब्रिज by Michael Calderon and David Hall on 28th April 1958. इस प्ले को तो लिखा था हैरोल्ड पिंटर ने 1957 में, लेकिन इसका जो स्टेज परफॉर्मेंस होता है वो नेक्स्ट ईयर में होता है 1958 को, और सबसे पहले इसे परफॉर्म किया जाता है आर्ट्स थिएटर नामक एक थिएटर जो कैम्ब्रिज इंग्लैंड में होता है. और इस परफॉर्मेंस को डायरेक्ट और प्रोड्यूस करने वाले जो व्यक्ति थे वो थे माइकल कैलडरॉन और उनके साथी डेविड हॉल. एक बहुत ही बड़ी सक्सेस हैरोल्ड पिंटर को द बर्थडे पार्टी से मिलती है और यही वो सक्सेस होती है जो कहीं ना कहीं उन्हें एनर्जाइज करती है और भी पिकारस नेचर के साथ या एब्सर्ड नेचर के साथ या मेनेस के नेचर के साथ प्लेस को लिखने का, जो उन्हें बाद में लिटरेचर के लिए नोबेल प्राइज भी 1905 में दिला देता है. इट इज कॉल्ड अ कॉमेडी ऑफ मेनेस एंड पीजन होल्ड मार्टिन एस्लिंग कॉल्ड इट द थिएटर ऑफ द एब्सर्ड In 1962. अगर हम इस प्ले के पूरे थीम की बात करें तो एक मेनेस, एक थ्रेड, एक डर, एक धमकी हर वक्त हमें एहसास होती रहती है. जैसे जब पहली बार मेग स्टैनलिस इस बात का जिक्र करती हैं कि उनके घर में दो गेस्ट आने वाले हैं तो वह अचानक से उनसे डर जाता है. ये जो स्ट्रेंजनेस है, ये जो थ्रेट है, ये जो मेनेस है, यही थ्रेट, यही मेनेस, यही स्ट्रेंजनेस
बर्थडे पार्टी के स्पेशल एलिमेंट्स में आते हैं। बर्थडे पार्टी को हम एक और नाम से जानते हैं, दैट्स कॉल्ड पिजन होल्ड। क्यों पिजन होल्ड कहा जाता है? जैसे पिजन को पकड़ने के लिए हम एक तरह के नेट का यूज करते हैं, या कुछ हम दाने डालते हैं जिसमें वो फंस जाता है और उसके बाद हम उनको पकड़ते हैं। सेम उसी तरह से इस प्ले में भी स्टैनली को पकड़ने के लिए गोल्डबर्ग और मैकेन ने उसकी बर्थडे पार्टी का वो नेट चुना था, वो दाना डाला था, जिसमें फाइनली स्टैनली कॉट होता है। इसलिए इसको हम पिजन होल्ड भी कहते हैं। पिजन जो बहुत ही इनोसेंट होता है, कुछ उसी इनोसेंट अंदाज में, हालांकि विगारस भी है, थोड़ी स्ट्रेंजनेस भी है स्टैनली के कैरेक्टर में, लेकिन जिस तरह से उसे सरेंडर करवाया जाता है उससे वो लगता है कि वो पिजन ही था। असली बात यह है कि पहले भी इसे कॉमेडी ऑफ मैनर के रूप में देखा गया था, लेकिन बाद में मार्टिन एसलिन ने एक ऐसे लिखा थिएटर ऑफ द एब्सर्ड इन 1962, और वहां से उन्होंने इस टर्म को आगे बढ़ाया और द बर्थडे पार्टी के लिए उन्होंने थिएटर ऑफ द एब्सर्ड जैसा टाइटल दिया। एब्सर्डिटी एक ऐसी राइटिंग है जहां पर नथिंगनेस का एहसास होता है, रीजन कुछ भी नहीं होता है, नो रीजन इज नोन, नो फैक्ट इज नोन, बट घटनाएं होती रहती हैं, द इवेंट्स गो ऑन। इस तरह की चीजें जो होती हैं, दे हैपन इन थिएटर ऑफ द एब्सर्ड, जैसे वेडिंग फॉर गॉडॉट में भी आप इसी तरह के हालात को देख सकते हैं। देयर आर थ्री एक्ट्स इन द प्ले एंड द प्लॉट ऑफ द प्ले मूव्स एट अ बोर्डिंग हाउस by seaside in England in 1950s। जो इस प्ले का प्लॉट है उसे थ्री एक्ट्स में डिवाइड किया गया। जैसा मैंने पहले भी डिस्कस किया था कि धीरे धीरे करके प्ले को फाइव एक्ट के बजाय थ्री एक्ट में करने का सिलसिला शुरू हो गया था, जिसे हैरोल्ड पिंटर भी अपनी राइटिंग में फॉलो करते हैं। इस प्ले का उन्होंने जो बैकग्राउंड रखा है, जो जगह रखा हुआ है, वो एक्चुअली में एक सी साइड है जहां पर बोर्डिंग हाउस के मालिक, एक ऐसा बोर्डिंग हाउस है जिसके मालिक पेटी बोल्स हैं, और वो डेक चेयर का काम करते हैं सी साइड पर। उस घर की ही पूरी स्टोरी, उस घर बोर्डिंग हाउस की पूरी कहानी है, जिसे थ्री एक्ट में डिवाइड किया जाता है। अगर प्ले को देखा जाए तो इसकी टाइमिंग, जिस टाइम को ये नरेट करता है, द होल एक्ट मूव्स अराउंड 1950s, 1950 के आसपास की पूरी कहानी जो होती है इसे मूव करती है। इस प्ले के एक्ट को और देखा जाए तो फर्स्ट एक्ट में सारे कैरेक्टर्स की एंट्री हो जाती है, और मेग लास्ट में स्टैनली को एक ड्रम प्रेजेंट करती है गिफ्ट के रूप में उनके बर्थडे को, और वहां पर ड्रम को प्ले करता हुआ स्टैनली प्ले को कंप्लीट करता है। दूसरे अगर एक्ट में आते हैं तो हम देखते हैं स्टैनली के बर्थडे को सेलिब्रेट किया जाता है, जिसमें सभी शामिल होते हैं और पेटी को छोड़ करके जो बाहर रहते हैं, और ऐसी सिचुएशन में लास्ट के सीन में हम देखते हैं कि मैकेन और गोल्डबर्ग पूरी तरह से पीट करके स्टैनली को शांत कर देते हैं। और जब हम तीसरे एक्ट में आते हैं तो हम ये देखते हैं कि गोल्डबर्ग मैकेन दोनों लोग मिलकर के स्टैनली को माउंट ले जाने की बात करते हैं, जहां पर उनको लगता है कि वो इलाज करवाएंगे। इस तरह से वो फाइनली स्टैनली को अपने साथ ले जाने में सक्सेसफुल रहते हैं। तो थ्री एक्ट्स में इसको डिवाइड किया गया। सेम डे इवेंट है, एक ही दिन की घटना है, तो टाइम एक दिन का है, अराउंड 1950s के 1950 से लेकर 1960 के बीच की है, और थ्री एक्ट्स में उसको डिवाइड किया गया। मेजर कैरेक्टर्स ऑफ द प्ले, इस प्ले के जो कुछ खास कैरेक्टर, उसमें पेटी बोल्स जो एक सी साइड का जो बोर्डिंग हाउस है उसके मालिक हैं, मैक बोल्स और पेटी बोल्स दोनों लोग ही उस बोर्डिंग हाउस के मालिक हैं, और मैक बोल्स पेटी बोल्स की वाइफ हैं। दोनों ही लोग 60 के आसपास हैं, 60s के उम्र में चल रहे हैं। स्टैनली वेबर एक पियानिस्ट है
जो भाग करके इस बोर्डिंग हाउस में आकर के रहने लगा है, अराउंड 45 40 के पार की उम्र को वो जी रहा है। लुलू लुलू मैकबोल्स की नेबर है, पड़ोसी है, एक फ्लर्टिंग गर्ल की तरह है, एक आवारा गर्ल की तरह है, और वह 25 ईयर ओल्ड है, जो स्टैनली को अपनी ओर अट्रैक्ट करने की कोशिश करती है। बाद में गोल्डबर्ग से उसका रिलेशन, गोल्डबर्ग अराउंड 55 ईयर ओल्ड एक्सपर्ट मैन है, जो कैच करने के लिए आया स्टैनली को। गोल्डबर्ग को अलग अलग नामों से भी जाना गया, जैसे मैट, सीमी और बेनी, ये अलग अलग नाम है जिन नाम से गोल्डबर्ग को जाना जाता है। गोल्डबर्ग के साथ आए हुए अगले कैरेक्टर हैं मैकेन, जो अराउंड 45 ईयर ओल्ड हैं, और उन्हें डरमोट या सीमस के नाम से भी जाना जाता है। तो इस तरह से ये छोटी सी लिस्ट थी जो कैरेक्टर्स की थी, क्योंकि हम जानते हैं जैसे जैसे मॉडर्न राइटिंग में आते रहते हैं, शेक्सपियर की तरह ढेर सारे कैरेक्टर्स हमारे ड्रामास में नहीं देखने को मिलते हैं। कुछ ही कैरेक्टर, चाहे वो जीबी शाहकाम सेंड द मैन हो या फिर हैरोल्ड पिंटर का बर्थडे पार्टी हो, कुछ गिने चुने कैरेक्टर्स के साथ हम स्टोरीज को डेवलप करते हैं। नाउ वी मूव टुवर्ड्स आवर समरी ऑफ द प्ले। चूंकि यह एक एब्सर्ड प्ले है, किसी सीरियस थीम को लेकर के शुरू नहीं होता है। प्ले की जब शुरुआत होती है तो हम देखते हैं कि मेग टी बना रही है और पेटी न्यूज़पेपर को पढ़ रहे हैं। न्यूज़पेपर पढ़ते पढ़ते उन दोनों की बातें होती है न्यूज़पेपर में लिखे हुए इश्यूज पर, और तभी पेटी और मेग दोनों आपस में बात करते रहते हैं, और तभी मेग पेटी से पूछती है कि क्या पेटी ने स्टैनली को नीचे आते हुए देखा है, जिसके बारे में स्टैनली के न आने का जवाब पेटी देते हैं, और मैग डिसाइड करती हैं कि वह स्टैनली के लिए चीज लेकर के जाएंगी, चाय लेकर के जाएंगी, क्योंकि उनकी एक हैबिट थी, आदत थी, वो हर मॉर्निंग को मॉर्निंग टी लेकर के स्टैनली के रूम में जाया करती थी। इस बीच दोनों के बीच में, मैग और पेटी के बीच में अपने नाश्ते ब्रेकफास्ट को लेकर के बातें होती हैं, चाहे वो टी को लेकर के हो या कॉर्नफ्लेक को लेकर हो या फ्राइड ब्रेड को लेकर के हो। बातों के बाद मेग हंसती हुई स्टेयर से नीचे आती हैं, जिनके पीछे पीछे स्टैनली भी आ रहे हैं, जिन्होंने गॉगल्स स्पेक्टिकल्स पहन रखे हुए हैं, और उनके स्पेक्टिकल्स जो है थोड़े से डिसअरेंज्ड हैं, लुढ़के हुए से हैं, बहुत ही अनमैनर्ड पर्सन के रूप में स्टैनली नीचे आते हैं। स्टैनली के आने के बाद एक बार फिर से स्टैनली मेग और बेटी के बीच में बातें हो रही होती, जहां पर स्टैनली मेग की निंदा करता है कि वह एक अच्छी वाइफ नहीं है, बल्कि वह एक गंदी वाइफ है, क्योंकि वह अपने हस्बैंड के लिए अच्छा नाश्ता तैयार नहीं कराती। इस बीच बेटी वहां से फिर से अपनी सी साइड डेक चेयर्स के लिए चला जाता है, और यह कहकर जाता है कि वह जल्द ही वापस आएगा। मेग और स्टैनली दोनों के बीच में बातें हो रही होती हैं, जहां पर मेग स्टैनली को बताती है कि पेटी ने बताया कि उनसे दो जेंटलमैन सी साइड मिले थे, जिनको बोर्डिंग हाउस की जरूरत है, और उम्मीद है कि वो लोग वहां आएंगे। दो लोगों की बात सुनकर स्टैनली परेशान हो जाता है, और वो डराने की कोशिश करता है मेग को कि अगर दो लोग आएंगे तो एक बड़ी सी कार लेकर आएंगे, जिसमें एक व्हील बैरो होगी, और उस व्हील बैरो में बैठा कर किसी को लेकर जाएंगे, जिससे मेग पूरी तरह से डर जाती। इस बीच दोनों में एक बार फिर से थोड़ी सी हंसी मजाक होने लगती है, और मजाक मजाक में स्टैनली मेग को सुकुलेंट कह देता है। सुकुलेंट कहने के बाद मेग थोड़ी नाराज होती हैं, हालांकि बाद में वो इस कमेंट को पसंद करती है। मेग को बाहर मार्केट में जाना है, इसलिए वो जाती है, और उनके जाने के बाद ही लुलू का एंट्री होता है, कुछ सामान के साथ अंदर आती हैं और स्टैनली को बताती हैं कि उसे नहाना चाहिए, उसे शेव करना चाहिए, और थोड़े से अपने आप को व्यवस्थित रखना चाहिए, बाहर घूमने की भी कोशिश करना चाहिए। जब इधर से लुलू चली जाती है तो थोड़ी देर के बाद हम देखते हैं कि स्टैनली भी वहां से हट चुका है, और मैकेन गोल्डबर्ग दोनों की एंट्री घर के पीछे किचन डोर से होती है। दोनों अंदर आते हैं
जहां पर मैकन थोड़ा डिस्टर्ब लगते हैं, वो ये जानना चाहते हैं कि सच में क्या ये वही घर है जिस घर की उनको तलाश थी। गोल्डबर्ग और मैकन में सवाल होते हैं, गोल्डबर्ग उन्हें डिसाइड कराते हैं कि यह भी काम वैसा ही है जैसा उन्होंने ऑलरेडी पहले किया हुआ है। मैकन और गोल्डबर्ग के बीच बात हो रही होती है कि तभी मार्केट से शॉपिंग करके मेग आ जाती हैं, जिनसे उनका वहां इंट्रोडक्शन होता है और मेग बातों बातों में यह बताती हैं कि आज उनके घर में रहने वाले स्टैनली का बर्थडे है। जबकि स्टैनली को यह बात मालूम नहीं है कि उसका यह बर्थडे है, इसलिए एक बर्थडे पार्टी को प्लान किया जाता है और गोल्डबर्ग पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद ले लेता है। इधर गेस्ट को इनवाइट करने की बात होती है तो गोल्डबर्ग बात करता है कि वह रहेगा, उसके साथ में उसका फ्रेंड मैकन रहेगा, पड़ोसी के रूप में लुलू रहेगी और अगर आ जाएंगे तो बेटी भी रहेगी। इस तरह से एक अच्छी पार्टी ऑर्गेनाइज हो जाएगी। मैग बहुत खुश होती है और वह एक ड्रेस पहनने की बात करती है जिसमें बिल्कुल ट्यूलिप सी लगती है। इस ट्यूलिप की प्रशंसा को सुनने के बाद जब स्टैनली घर वापस आता है तो उसे प्रेजेंट के रूप में मैग एक ड्रम देती है, लेकिन स्टैनली इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है कि आज उसका बर्थडे है। बजाते बजाते वह ड्रम अपने गले में टांग लेता है और उसका इरिटेशन उसके चेहरे से साफ नजर आता है। इसके बाद हम एक्ट टू में चलते हैं जहां पर प्ले को देखा जा रहा है किस तरह से बर्थडे की तैयारी है। सारी चीजें तैयार हो चुकी हैं और उस तैयारी के बीच में ब्लाइंड मैन बफ नाम के एक गेम को खेला जाता है जिसमें आपको वो पट्टी बांध करके छूने की बात होती है। सबसे पहले ये मैकेन को चांस मिलता है कि ब्लाइंड मैन बफ बने और वह टच कर लेते हैं मेग को। मेग जब बनती हैं तो वो टच कर लेती हैं स्टैनली को और इस तरह से स्टैनली जिसको कम दिखाई देता है वो उसके ऊपर पट्टी बांध दिया जाता है और उसके चश्मे को हटा लिया जाता है। इधर बीच लाइट के कट जाने की वजह से एक अफरा तफरी होती है जिस सिचुएशन में लुलू शोर मचाती है। लुलू जिनका रोमांस थोड़ी देर पहले गोल्डबर्ग साथ चल रहा था वो इस रूप में मिलती है। जैसे ही लाइट ऑन होती है तो देखा जाता है कि टेबल पर गिरी हुई सी लुलू है जिनके ऊपर झुके हुए से स्टैनली है, जिसके बाद स्टैनली के साथ बुरी तरह से गोल्डबर्ग और मैकेन पेश आते हैं और उन्हें बुरी तरह से पीट करके शांत कर देते हैं। इस तरह के हालात के बाद पार्टी को तो एंजॉय किया जाता है बट एक्चुअल में स्टैनली बिल्कुल शांत हो जाते हैं, क्योंकि जब इनके पहले स्टैनली और गोल्डबर्ग मैकेन के बीच में सवाल जवाब हुए थे तो स्टैनली को भगाने की कोशिश की जा रही थी। अलग अलग सवाल जैसे कि नेसेसिटी को लेकर के सवाल करना और नेसेसिटी के लिए सवाल करने के साथ साथ उसे ऐसे सवाल करने जिससे वह इरिटेटेड हो जाए और अपनी जो बैलेंस है उसे वह छोड़ दे, क्योंकि अपने डिस्कशंस के दौरान स्टैनली ने मैग को बताया था कि वह बहुत ही अच्छा पियानिस्ट था और एक बार लोअर एडमॉन्टन नाम के एक प्लेस पर उसने एक शानदार परफॉर्मेंस भी दिया था, शानदार कॉन्सर्ट भी था, लेकिन थोड़ा सा डिस्प्यूट हो गया था वहां के ऑर्गेनाइजर्स के साथ जिसके बाद वो वहां से चला आया था। यह एक सीक्रेट और दूसरे सीक्रेट में गोल्डबर्ग और मैकेन का वहां आना और बुरी तरह से स्टैनली को फंसाना या पीटने की कोशिश करना एक क्वेश्चन होता है जो अनआंसर्ड रह जाता है इस प्ले में। जैसे ही हम एक्ट थर्ड में एंट्री करते हैं एक बार फिर से हम देखते हैं कि बेटी की एंट्री हो रही है। बेटी घर में बैठे हुए हैं और उसी समय मेग और बेटी आपस में बातें कर रहे हैं कि क्या उन्होंने स्टैनली को आज नीचे आते हुए देखा। बेटी ये क्लियर करते हैं कि उन्होंने स्टैनली को आज नीचे आते हुए नहीं देखा है और मेग भी अपने डाउट को जाहिर करती है कि जब वो सुबह मॉर्निंग टी लेकर गई तो उन्होंने देखा कि स्टैनली के रूम में पहले से ही मैकन और गोल्डबर्ग हैं और मैकन और गोल्डबर्ग ने उन्हें स्टैनली से मिलने भी नहीं दिया। उन्हें लगा शायद वो सभी एक दूसरे को पहले से जानते हैं इस वजह से ऐसा कुछ हो रहा हो। इधर बीच मैग को एक बार फिर से शॉपिंग के लिए जाना है क्योंकि लंच तैयार करना है और वो शॉपिंग के लिए चली जाती है और तभी वहां पर गोल्डबर्ग नीचे आते हैं। गोल्डबर्ग के आने का आहट सुनकर ऐसा लगता है स्टैनली आ रहा है
क्योंकि पेटी ने एक्सपेक्ट किया था कि स्टैनली आएगा, लेकिन गोलबर्ग वहां जाते हैं। गोलबर्ग और स्टैनली के बीच बातें चलती हैं, गोलबर्ग और पेटी के बीच बातें चलती हैं, जहां पर पेटी से ये पूछा जाता है कि वो कल रात को पार्टी में क्यों नहीं आए। और उन्होंने क्लियर किया कि जब वो वहां आए तो वहां पर लाइट नहीं थी, अंधेरा था, इसलिए वो वहां से चले गए। गोलबर्ग ने बताया कि बहुत ही शानदार पार्टी यहां पर ऑर्गेनाइज की गई थी, लेकिन प्रॉब्लम यह हुई कि स्टैनली थोड़े से नर्वस ब्रेकडाउन में चले गए। दोनों को लेकर के, दोनों के बीच में स्टैनली के इस नर्वस ब्रेकडाउन को लेकर के बातें होती हैं, जिसमें पेटी ये बात करता है कि एक एक्सपर्ट फिजिशियन की जरूरत है। और इसके लिए गोलबर्ग क्लैरिफाई करते हैं कि वो पूरे इश्यू को बड़े ध्यान से देख रहे हैं और एक डॉक्टर का मैनेज भी कर लेंगे, इसलिए उनको माउंट में ले जाना पड़ेगा। इस बात को जानकर के पेटी थोड़ी नाराजगी जाहिर करते हैं, लेकिन बाद में वो सरेंडर कर जाते हैं। इधर भी जब पेटी बाहर चले जाते हैं तो मैकन नीचे आता है और मैकन थोड़ी सी नाराजगी जाहिर करता है, क्योंकि उसे जो काम दिया गया उसे वो पसंद नहीं करता। मैकन यह कहता है कि यह वो आखिरी वर्क होगा जिसको वो कर रहा है। गोलबर्ग भी यह क्लैरिफाई करता है और यह दिखाता है कि उसके दांत, एक फ्रंट टीथ टूट गया है जो आज तक की उम्र में अभी तक कभी ना हुआ था। दोनों के बीच में थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग है, लेकिन गोलबर्ग यह जानना चाहता है स्टैनली किस तरह से रिएक्ट कर रहा है, जिसके बारे में मैकन बताता है कि स्टैनली बहुत शांत और वह कुछ भी रिएक्ट नहीं कर रहा। और इस तरह से दोनों डिसाइड करते हैं और उस बड़ी कार में स्टैनली को ले जाने का प्लान करते हैं, जो बड़ी कार ऑलरेडी घर के बाहर खड़ी है, जिसको पहले भी मैग ने देखा था और इस पेटी से पूछा था कि यह कार किसकी है, क्योंकि ऐसे ही किसी कार के बारे में स्टैनली ने मैग से पहले बात किया था। स्टैनली को लेकर के गोलबर्ग और मैकन जाने को तैयार है। इसी बीच में पेटी की एंट्री होती है और वह थोड़ा सा बचाने की कोशिश करता है और वह कहता है कि स्टैनली को वो लोग कहां लेकर जा रहे हैं, जिसके लिए गोलबर्ग उनको वार्निंग करता है कि अगर वो उनके रास्ते से ना हटे तो वो स्टैनली को तो लेकर जा ही रहे हैं, उन्हें भी लेकर चले जाएंगे, जिसकी वजह से पेटी बगल हो जाते हैं और स्टैनली को लेकर के गोलबर्ग और मैकन चले जाते हैं। क्योंकि इनके जाने से पहले लुलू आई थी जिसने गोलबर्ग को एक चीटर करार दिया और उसने कहा कि गोलबर्ग ने लुलू का फायदा उठाया। गोलबर्ग और मैकन के चले जाने के बाद जब मैग वापस आती मार्केट से तो वो देखती हैं कि वो बड़ी सी कार बाहर नहीं है, जिसे अंदर आने के बाद वो पूछती है उस कार के बारे में, तो मैग को पेटी कुछ क्लियरली नहीं बताता है और उसे लगता है कि मैकन, वो कहता है कि मैकन और गोलबर्ग चले गए, लेकिन जब वो पूछती है कि क्या स्टैनली नीचे आया था, इस बारे में वो कोई भी क्लियर आंसर नहीं देता। उसने कहा शायद उसे नहीं मालूम। और एक बार फिर ऐसी ही बातचीत के साथ टी और कॉफी को लेकर के यह प्रेम एंड हो जाता है। एक एब्सर्डिटी, एक पिकारस नेचर, एक मैनेस, एक थ्रेटनिंग नेचर इस प्ले में कंटिन्यू रहता है शुरू से लेकर के लास्ट तक। Now we move towards some important lines. The first is, shall I put around my neck? I'd much rather have a boy, Stanley. Stanley Weber, जैसे ही मैग इनको गिफ्ट करती है एक ड्रम, वह सवाल करता है कि क्या वह एक छोटे बच्चे की तरह अपने गर्दन में, अपने नेक में उस ड्रम को टांग कर घूमे, छोटे बच्चे की तरह रिएक्ट करे, क्या सच में ये उसके लिए अच्छा होगा? That comes in act first and almost in the last of the act first. The next statement is from Goldberg. You are dead. You can't live. You can't think. You can't love. In fact, Goldberg हर तरह से Stanley को realize कराना चाहता है कि वो किसी काम का नहीं है। इस तरह की अपनी बातों में जैसे वो कहता है you are dead. In fact, वो दिखाना चाहता है कि स्टैनली के अंदर लाइफ नाम की चीज नहीं है, क्योंकि ना तो वो जिंदा रह सकता है, ना वो कुछ भी सोच सकता है और ना ही कुछ वो लव कर सकता है। इस तरह की वो एक नथिंगनेस की लाइफ जी रहा है, मीनिंगलेस की लाइफ जी रहा है, और इस वजह से गोलबर्ग उसे ये फील कराता है कि ही इज ऑलमोस्ट नथिंग।
that comes in Act 2, the course between Goldberg and Stanley. And he is the only Stanley I know, and I know him better than all the world, although he doesn't make. मैंने कहा स्टेटमेंट यहाँ आता है मैं जो स्टैनली से बहुत ही ज्यादा लव करती हैं वो ये बात क्लियर करती हैं अपनी टोस्ट में बर्थडे टोस्ट में जहां पर वो एक स्पीच दे रही होती है बहुत इमोशनल स्पीच उसमें वो कहती हैं आई इज द ओनली स्टैनली और यही वो स्टैनली है आई नो जिसको मैंने पूरी लाइफ में पहले जाना है कभी एंड आई नो हिम बेटर देन ऑल द वर्ल्ड ऑल्दो ही डजंट और वैसे दुनिया के किसी भी और आदमी की अपेक्षा सबसे अच्छी तरह से जानती हूँ शायद इतनी अच्छी तरह से उसे कोई भी नहीं जानता होगा यदि यह बात अलग है कि स्टैनली को नहीं लगता कि वो उसको अच्छा जानती है The next statement comes from Goldberg in Act 2 I believe in a good love, a day's fishing, a bit of gardening, etc. Goldberg अपनी बातें स्टैनली के साथ कंटिन्यू रखते हुए दिखाने की कोशिश कर रहा है कि उसकी लाइफ एक बहुत ही नोबल पर्सन की लाइफ है जिस लाइफ में वह लॉफ को तवज्जो देता है हंसना उसको पसंद है ज्यादातर वो खेलने के लिए जाता है तो फिशिंग करता है और गार्डन का भी शौकीन है गार्डनिंग करता है ग्रीनरी के पक्ष में वो बातें करता है तो दिस वाज ऑल अबाउट द बर्थडे पार्टी इन माय वर्ड्स थैंक्स अ लॉट वाचिंग अस कीप वाचिंग इंग्लिश किंगडम एट इलाहाबाद कांटेक्ट अस फॉर नोट्स एंड क्लासेस Thank you very much.